हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। तो आज है 8th of February एंड मेरा आज का जो टारगेट था तो वो था यूनिट 3 एंड यूनिट 4 फुल कंप्लीट, मतलब बायोलॉजी का। तो अभी कुछ 11 बज रहे थे और मैंने सुबह से 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। वो चैप्टर्स है सेल, सेल साइकिल एंड फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो सब चैप्टर्स मुझे मतलब इजी है एंड कम टाइम लगता है कंप्लीट करने में। तो मैंने वो 3 चैप्टर जल्दी जल्दी ख़त्म कर लिया है और अभी मेरा 3 चैप्टर बच रहे हैं और मैं ब्रेकफास्ट करके आई हूँ अभी। तो अभी 11:30 कुछ बज रहे हैं, मुझे पता नहीं। सो अभी रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और यूनिट 3 से बायोमोलिक्यूल्स बच रहे हैं, तो मैं अभी उसका ही पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। और मैं यही सोच रही थी कि पहले कौन से चैप्टर से स्टार्ट किया जाए, तो मुझे लगा कि अभी थोड़ा सा, जो कि तीनों में से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, उससे ही स्टार्ट करते हैं। तो वो है रेस्पिरेशन, तो मैं इससे स्टार्ट करूँगी। एंड मैं बिल्कुल फर्स्ट से नहीं पढ़ रही हूँ, और मैंने स्टार्ट किया है एरोबिक रेस्पिरेशन से, क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा इस पूरे चैप्टर में थोड़ा सा कंसेप्चुअल या फिर बोलो थोड़ा सा मतलब याद रखने में प्रॉब्लम होता है। तो मैंने फर्स्ट वही से स्टार्ट किया है ताकि मेरा पहले का जो एनर्जी है ना एक चैप्टर पढ़ने का, वो उस पर जाए एंड बाकी जो मेरा आता है तो मैं तो वो इजीली कर पाऊँगी। तो इसीलिए मैं ये करती हूँ कि कभी भी कोई चैप्टर पढ़ती हूँ तो उसके बीच का कोई टॉपिक उठा लेती हूँ, पहले वो ख़त्म करती हूँ एंड उसके बाद आगे पीछे का पढ़ लेती हूँ। तो ये होता रहता है मेरे साथ। अच्छा, आप लोगों को ये पता है ना कि इस चैप्टर में, मतलब रेस्पिरेशन चैप्टर में, एक ATP काउंट को लेकर कुछ कन्फ्यूशन है, जो कि रिसेंटली बहुत सारे टीचर्स बना रहे हैं अपने वीडियो में कि न्यू NCERT मतलब कुछ करेक्शन आया है, जो कि मतलब यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या कंट्रोवर्शियल है, बट उसका जो सोल्यूशन है वो अभी तक मुझे नहीं मिला कि कौन सा एक्चुअली होगा। बट मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के टाइम एक इस तरह का क्वेश्चन फेस किया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी एंड मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी। अच्छा, पहले ना मैंने ये नोटिस नहीं किया कि यहाँ पर ऐसे है, बट रिसेंट जो यूट्यूब में वीडियो बन रहे हैं तो ये थोड़ा सा करेक्शन आया है कुछ कुछ टॉपिक्स में या फिर कुछ कुछ चैप्टर्स में, तो उसके बाद मैंने खुद से नोटिस किया एंड मुझे वो दिखा। तो वो ये है कि ETS पाथवे में यहाँ पर लिखा हुआ था 4H+ पास होने पर 1 ATP फॉर्म्ड होता है, बट जो डायग्राम पे है वहाँ पर दिखा रहा है कि 2 ATP मतलब 2 प्रोटॉन पास होने पर 1 ATP फॉर्म होता है। तो ये है, अब कौन सा सही होगा, 2 ATP या फिर यहाँ पर 4 ATP। तो मैंने यहाँ पर 2 कर लिया है एंड ये मैंने क्यों किया है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि 5 ATP फॉर्म मतलब कितने प्रोटॉन जाने से, पास होने से 5 ATP फॉर्म होगा। सो या एंड उसका आंसर है 10। तो अगर 2 ATP 2H+ पास होता है तो 1 ATP फॉर्म होता है, तो इसके अनुसार ये 10 होता है, तो मैंने इसीलिए वहां पर 2 कर दिया है। तो जो भी हो, अभी मैं इसका बाद वाला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करूंगी, मतलब प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स, तो इसको अभी स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है कि मेरा क्लास 12 फुल सिलेबस स्कोर, तो मेरा स्कोर है 496 एंड मैं इंडिविजुअल स्कोर प्लीज़ मैं इसके लिए नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हो कि मैंने क्लास 12 के लिए मतलब फिज़िक्स का प्रिपरेशन नहीं किया था। तो मतलब ये 496 मार्क्स मेरा सिर्फ केमिस्ट्री और बायो में से आया है, ये नहीं है, क्योंकि 540 में से 496 मार्क्स बहुत बड़ा है। और मैंने एग्ज़ाम में फिज़िक्स भी अटेम्प्ट किए थे, मतलब मुझे जितना आता था, लाइक मॉडर्न फिज़िक्स से मुझे आता था, तो उसका अटेम्प्ट किए थे मैंने, फिर इलेक्ट्रोस्टैट से एंड थोड़ा बहुत मतलब मैग्नेटिज्म चैप्टर से, एंड ऑप्टिक्स मेरा बहुत ज़्यादा वीक रह गया था तो मैंने ऑप्टिक्स को मतलब नहीं टच किया। तो या तो यही बात है, और टोटल मार्क्स है 496 एंड इंडिविजुअल स्कोर प्लीज़ मैं इस स्कोर के लिए नहीं बता रही हूँ। एंड अगर आप लोग मुझे कमेंट में ज़्यादा फोर्स करोगे तो शायद मैं बता दूँगी, बट मैं नहीं बताना चाहती, इसका थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना। एंड या मैं आप लोगों को सब स्कोर ही बताती हूँ, तो
सिर्फ इंडिविजुअल स्कोर मैं इसके लिए नहीं शेयर करूंगी। और ये मतलब इस एग्जाम का क्वेश्चन सोल्यूशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, जो लोग जानते हो वो लोग तो देख ही लिए होंगे, एंड जो लोग नहीं जानते हो मतलब नए हो इस चैनल पर, तो मैं बता दूँ कि मैं जिस सेंटर से मतलब मैं एलएन से एग्ज़ाम देती हूँ, तो उसका सारा क्वेश्चन एंड सोल्यूशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देती हूँ। आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो या फिर वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप देख सकते हो उस क्वेश्चंस को एंड सोल्यूशन को, ताकि आप लोगों का ही हेल्प हो जाए। अच्छा, ये चैप्टर पढ़ने के बाद ना मैं ब्रेक लूँगी, क्योंकि मुझे लंच करने जाना है और टाइम भी अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैं लंच करके आने के बाद शायद इवनिंग के टाइम पर एक लास्ट चैप्टर बच रहा है उसको स्टार्ट करूँगी। तो मेरा ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है, मतलब प्लान ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स, और मेरा एक ही चैप्टर बच रहा है, वो है बायोमोलिक्यूल्स, वो मैं इवनिंग पर स्टार्ट करूँगी। हेलो, आई एम बैक। तो अभी मैं ना मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी, और ये जो बुक है इससे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, नीट का जेई पब्लिकेशन एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, इस बुक से मैं बायो प्रैक्टिस करती हूँ। एंड मैं मतलब पढ़ने का उतना मन नहीं था, तो मैं सोच रही थी कि जितना मैंने पढ़ा है आज उतना उससे थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते, तो मैं वही कर रही थी। एंड अभी मैं करूँगी बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, और जो कि मैं कर ही रही हूँ, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रही हूँ। तो इसके बाद मतलब मेरे पास टाइम रहेगा, तो मैं फिर से मतलब आज पूरा चैप्टर पढ़ना हो गया, एंड मैं रैंडमली क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। आज जो जो चैप्टर मैंने पढ़ा उसके ऊपर ही मैं करूँगी। और कभी कभी ना मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब इस बुक से नहीं करती, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं एग्ज़ाम के पेपर्स भी उठा लेती हूँ। लाइक जब मैंने एक्सक्रीशन पढ़ा था, तो मैंने इस बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था, मैंने अपनी एलएन के एग्ज़ाम जो पेपर है वो मैंने उठाया था, और उसमें एक्सक्रीशन चैप्टर्स जिस यूनिट्स में थे उस यूनिट्स का क्वेश्चन मैंने बायो का पूरा सॉल्व किया था। तो मैं ऐसे भी प्रैक्टिस कर लेती हूँ। ओके, तो हम अभी वीडियो के एंड पर आ चुके हैं, एंड जो लोग नए हो वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड एक लाइक कर देना वीडियो को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने जितना पढ़ा है उसका अपडेट दे दूंगी, एंड फिलहाल के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो एंड अच्छे से रहो।